हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए खूबसूरत वर आज हम दिखाने जा रहे हैं इसको कैसे बनाएं। स्टेप वाइज आप देखिए मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, तो मेरे साथ रहिए लास्ट तक। और अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ। ये लिपन आर्ट है, इस पर क्ले वर्क मैंने पहले ही कर लिया है, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया है, और प्राइमर यूज़ करके ड्राई होने के बाद इसमें एक्रेलिक कलर में फिल कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्ले वर्क आपको दिखाएंगे, आप ज़रूर देखें क्ले वर्क इस पर कैसे करें। अभी इस पर बाकी डेकोरेशन वर्क और कलरिंग वर्क दिखा रहे हैं, तो चलिए बारी बारी इस पर कलर फिल करें। ब्राइट कलर्स लिए हैं, पिकॉक ब्लू होता है तो ब्लू, डार्क ब्लू है, पर्शियन ब्लू, लेमन येलो और पर्शियन ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ब्राइट कलर है। कलर्स को थोड़ा संभाल के फिल करना होता है ब्रश से। पॉइंटेड ब्रश यूज़ करें जिससे अंदर तक कलर जाए, और वाइट जो लाइनिंग है उसको हमें बचा के रखना है। इनकेस अगर कहीं थोड़ा सा कलर टच हो जाता है तो फिर से वाइट का रीटच आप कर दें ऊपर से। अभी जहाँ जहाँ ब्लू करना है सोच रहे वो कर लें। ये ब्लू लाइनिंग हो गया, आउट लाइनिंग ब्लू रेड, ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ब्लू रेड येलो एंड वाइट। कलर कॉम्बिनेशन की आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है, डेकोरेटिव वर्क पेंटिंग है ये, इसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कलर सिलेक्शन में। क्ले वर्क जो मोल्डेड क्ले हमने यूज़ किया है वो कैसे यूज़ करें, इसके कॉयल बना करके कैसे इस पर पेस्ट करें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। कलर ड्राई होने के बाद इस पर हमने वार्निश का एक कोट किया। और ये सारे मिरर्स मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट साइजेस में हमें बहुत ही अच्छे रेट पर हमें मिला। तो ये अब कहाँ क्या सेट करना है वो हम देखते हैं। मिरर्स जहाँ जो सूटेबल होगा वहाँ वो पेस्ट करेंगे, हल्का सा फेविकोल को डॉट्स दे करके उस पर ये सारे मिरर्स हमें पेस्ट करने हैं। दोस्तों इसमें मिरर का वर्क कर देने से इसका लुक ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही शाइनी और बहुत ही एलिगेंट लुक आ जाएगा सामने। कलर कॉम्बिनेशन ब्राइट कितना सुंदर लग रहा है। वार्निश हमने इसलिए कर दिया कि इससे और भी इसमें गेटअप आ गया और शाइन आ गया। वार्निश अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी इसमें एक्रेलिक कलर में शाइन होता है, आप डबल कोट कर सकते हैं या थोड़ा छोटा सर्कल लगा रहे हैं, छोटा साइज रेड पे, इससे बड़ी साइज लगाई है मैंने। ये टोटल डेकोरेटिव पेंटिंग है, इसको आप किसी भी तरह डेकोरेट करें, ये बहुत ही सुंदर, जैसे भी मिरर लगाना चाहें मिरर से आप फिल कर सकते हैं, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आप लगाएं। ये छोटे वाले मिरर से इसमें भी मैंने लगा दिए।
वो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वर्क ज़रूर बताएं। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।